नहीं देखिए, वो तो यूनियन का झंडा था और फैक्ट्री मालिकों ने जो मामला दर्ज कराया वही मामला दर्ज किया गया है और पूरी तरह से उसकी पारदर्शी तरीके से सारी कार्रवाई की गई। तो किसान आंदोलन का भी हिस्सा बन चुकी थी कुंडली बॉटल के ऊपर, जिसमें वो कह रही है कि पुलिस वालों किसानों के कारण लगातार थे उसमें। नहीं, ये मामला किसानों से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, ये यूनियन का मामला है और इंडस्ट्रीस्ट ने जो थे उन्होंने ही उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया था और उसकी मैं जांच कराऊंगा पूरी तरह से। लेकिन एक गरीब लड़की की किसी भी तरह से सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो लगातार ही मजदूरों और किसानों का साथ दे रही थी। नहीं नहीं सुनवाई तो कोर्ट में केस है, कोर्ट करेगी सुनवाई। तो कितने केस अभी तक उसके ऊपर दर्ज किए गए? अब ये मैं जांच कराऊंगा उसके बाद ही बता सकता हूँ। तो आप मानते हैं कि एक से ज़्यादा केस है जो सामने लाके जब बाकी सीक्रेट है? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, ऐसा अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी भतीजी ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है, इससे पहले भी जो रेहाना और कई ट्वीट आए हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हिंदुस्तान के ही कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की मदद से हिंदुस्तान का माहौल खराब करना चाहते हैं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।